वर्सेस ब्रैफर्स बाय दिस वेरी न्यू वीडियो फाइनली अपने मुनावर भाई का फाइनली एक वीडियो रिलीज कर देगा। अभी बेसिकली सबको पता होगा कि हमने थोड़े दिनों पहले हनीफ की शादी कवर आउट किया था, विच इज अ पार्ट वन बेसिकली। तो इंस्टाग्राम पे भाई ने अपडेट दिया था कि कासिफ की दोस्ती का मतलब बेसिकली हनीफ की शादी का पार्ट टू आने वाला है। दिस इज द पार्ट टू जिसका नाम है कासिफ की दोस्ती से द पार्ट टू आई थिंक सो, या फिर शायद इसे भी टू बी कंटिन्यूड, यू नेवर नो मैन। वो तो हमें देख के पता चलने वाला है ब्रो, ये भी आधे घंटे का है डूड। नाउ आई रियलाइज कि उसने दो पार्ट में क्यों डाली। ऑल्सो टाइमिंग भी कितना सेम है ब्रो, वो था 31 मिनट 39 का एंड ये है 31 मिनट 43 सेकंड्स का, सिर्फ 4 सेकंड ज्यादा है ये। ओके तो चलो विराट अफर डिले, लेट्स ऑपन स्ट्रेट इनटू द वीडियो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आर फ्रिकिंग ऑन द वे। ऑल्सो भाई का कोई गाना और भी आने वाला है, तो समझ लो सीन तो है ब्रो। तो चलो लेट्स ओपन स्टेटमेंट द वीडियो, कासिफ की शादी। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा जाके पार्ट वन देख कर आओ, ताकि आप सबको आइडिया लगे कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, किसकी शादी की बात हो रही है, क्या हुआ था शादी पे। तो या चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, सेक्शन 3 2 1 बैंग ऑन। जोरी बने हो घुमालू खेट से कोड़ी बटे हो मैं साथ मंडाल लगा लू मेरा खुलत पे। ये आई थी सिंगल, जाएगी डिवोर्स ही। ये हमने देख ली थी। ओके आई विल हेल्प यू आउट ठीक है आई विल टेल यू। मुस्लिम वेडिंग्स में क्या होता है, ठीक है? मुस्लिम वेडिंग्स में स्टेज होता है और स्टेज के ऊपर होते हैं गद्दे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हो गद्दे मुजरा, नहीं, नॉर्मल गद्दे, ठीक है? और मुस्लिम वेडिंग में दूल्हा जो होता है वो स्टेज पे बैठता है ये पोजीशन में। yep. सब लोग देख रहे, दूल्हा बैठता है ये पोजीशन में। हाँ तू तो देख ही रहेगी। जिनको भी नहीं याद है बेसिकली आई थिंक सो दिस इज अ टॉन टू द सेम गर्ल जिसने शायद बोली थी कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के शादी में मैं गई थी, समझ रहे हो? शायद उसी के बारे में। दूल्हे के बाजू में काजी साहब बैठते हैं। हाँ काजी साहब मुस्लिम पंडित। हाँ I like that. और उनके बाजू में बैठते हैं दो गवाह, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये होते हैं विटनेस कि हाँ निकाह हुआ है हमने सुना है। और बीच में एक होता है माइक जिसमें बोलते हैं कुबूले कुबूले कुबूले, ठीक है? वो माइक रहता है जिसमें सब लोग सुनते हैं कि हाँ हमने सुना है निकाह हुआ है। और मुझे पता भी नहीं था कि ये कुबूले 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 क्यों होता है ऐसा तीन बार। मैं छोटा था तो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैंने अपने चाचा से पूछा कि चाचा ये तीन बार क्यों होता है। तो मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहाँ आता है। इमेजिन दिस ऑन योर रेज्यूमे, अ सर्टिफाइड एक्सपर्ट इन। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, रेज्यूमे बना लेते हैं। विमेन डोंट लाइक दिस जोक। Well, I know the reason. You didn't like, ma'am? You didn't like it? Chacha bola, main nahi. Mera chacha sexist hai. Main to feminist hu. Main to chachi ko gaya aur bataya. Ke chacha dekho ye sab bol raha hai. मेरी चाची बोलती है बेटा कुछ समझा नहीं। तो हाँ, जिसको भी नहीं समझ में आया सेक्सिस्ट और फेमिनिस्ट का मतलब, सेक्सिस्ट बेसिकली एक पर्सनल जेंडर की तरफ थोड़ा सा बायस्ड होना, आइदर बीट मेल और फीमेल, एंड फेमिनिस्ट इज बेसिकली फीमेल्स को ज्यादा सपोर्ट करना। तो या जिनको भी नहीं समझ आया मैं उनको बता दिया। ना इधर आ चाची और दो बार बता दो। I didn't like it. I can understand you didn't like this joke, right? I totally understand with you. But मेरी चाची को ये joke मैंने सुनाया and she approved के like sexist थोड़ा offensive है but funny है and she is very sporty, she can take joke and she's in the house, give it up for her. Okay. She's in the house. सर चाचा allow नहीं करता बाहर जाने। ये जोक पे एक मुस्लिम अंकल ऑफेंड हो गए।
वो खड़े हो गए, बोले लिसन दिस इज रॉन्ग, वी डोंट ट्रीट वुमेन लाइक दिस इन इस्लाम, ओके? आई वाज लाइक अंकल आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी, आपकी वाइफ कहाँ है? ही इज लाइक पहली वाली दूसरी वाली. आई वाज लाइक ओ इस्लाम. तो उस दिन मुझे पता चला कि तीन बार जो बोलने का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होता है, दिस इज नॉट द रीजन. बट ये आपको मैं सिर्फ सेटअप बता रहा था, ठीक है? आपने देख लिया ये लेआउट पूरा निकाह का, जो स्टेज का सेटअप है. हाँ, ध्यान से याद रखना, ये बहुत काम आएगा. हाँ, ऐसा नहीं कि लाइफ में काम आएगा, यूपीएससी में आएगा, एक दिन हम सबको कन्वर्ट कर दे. नहीं नहीं साहब, एक मिनट रुको, पहले मेरे को साउंड थोड़ा सा कम करने दो ब्रो. What I mean is कि आगे जो जोक सुनाने वाला हूं उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है? अब हनीफ निकाह के लिए जब बैठने वाला था तो मैंने हनीफ को बोला कि हनीफ जो जूते हैं वो तू पिछवाड़े पे रख और बैठ जा. See, this is a good idea, कि दूल्हे को निकाह से कोई खड़ा करके तू जूते चुराएगा नहीं. That makes sense. आइडिया अच्छा. हनीफ ने जूते रखा, हनीफ बैठ गया. बस अब निकाह की जगह पे बैठ गया. मैं अब चिल हो गया हूँ कि भाई जूते बच गए, अब इंजॉय करते शादी. हाँ, दिल्ली में लड़कियाँ खूबसूरत है बहुत. तो मैं ऐसे खड़ा हुआ था, हाँ सिंगल भी था, तो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, लड़की आई स्माइल करी मेरे सामने, मैं बुलाई क्लोज आ गई. मैं और स्माइल किया, और क्लोज आते जा रही है. मैं बोला भाई दिल्ली वाली फास्ट है. और पास आते जा रही है, मैं थोड़ा ऐसे हूँ, और पास आते जा रही है, मेरे एकदम पास आ गए और मेरे को बोलती है लक्स रोज से नहाते हो आप. ओके, बेसिकली बाथरूम इंसिडेंट समझ रहे हो, जो लोगों ने पार्ट वन देखा उनको समझ में आ गया होगा लक्स रोज का क्या रेफरेंस है. अब बात आगे नहीं बढ़ सकती है. मेरा बहन मेरे को बता खाना कहाँ. मैं पहुंच गया, मैं पहुंचा कहाँ पे, वो चाइनीज काउंटर. अच्छा, चाइनीज काउंटर को देख के लग रहा है ये क्या है. ओके, कि यहाँ ही सेड एसवाई आ रही है, तो ब्लास्ट हुए हैं दो भगोने ऐसा उल्टे पड़े हुए हैं, वो केटरिंग वाले की लाश पड़ी हुई है, सारे मंचूरियन बॉल दीवार में चिपके हुए हैं, यहाँ जंग हुई है जंग. आई वाज लाइक भाई मेरे को नहीं खाना है, मैं जा रहा हूँ निकाह, स्टेज सेफ है. स्टेज की तरफ जैसे ही मैं आ रहा था, मैंने नोटिस किया कि अब जा नहीं सकता स्टेज पे क्योंकि निकाह शुरू हो चुका है. और मैं स्टेज पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अब जगह ही नहीं है जाने की. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं निकाह दूर से इंजॉय कर लेते, स्पीकर है ये. मैंने नोटिस किया कि स्टेज पे देख के कुछ लोग हंस रहे. आई वाज लाइक ये हंस क्यों रहे. मैंने भी थोड़ा देखा स्टेज पे, ऐसा गौर से देखा, तब मेरा ध्यान गया कि वो जो जूते के लिए छीना झपटी चल रही थी उसमें हनीफ की सलवार फट गई है. हनीफ ने पहना है पर्पल कलर के अंडरवेयर. मैं बोला मैंने इज्जत बचाया था और ये इज्जत जाएगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा. मेरी हनीफ की इतनी अच्छी दोस्ती है, ग्रेट केमिस्ट्री, मेरे को हनीफ को इशारे में ही बताना है. अबे यार ये भसड़ होगा. दिस इज अ सो कॉल्ड भसड़. हनीफ भाई तेरे कोटे दिख रहे हैं. हनीफ बोलता है दिखने दे. इसको लगा मैं बोल रहा हूँ तेरे जूते दिख रहे. मैं बोला ये तो राइम होता है. इसको तो लग रहा होगा. मैं बोला वर्ड चेंज करना पड़ेगा. लॉन्डे लोग क्या ही वर्ड चूज कर लें. आई थिंक कुछ भसड़ होने वाला है ब्रो अराउंड दिस. कुछ तो होने वाला है. आई एम लविंग द सेटअप. तेरे मंचूरियन बॉल दिख रहे हैं.
बाजू में से एक आंटी निकली, बोले बेटा कहाँ है, बोलते खत्म हो गए। मैं बोला आंटी जहां पे है तुम पहुंच नहीं पाओगी। वो चाइनीज काउंटर के पीछे दीवार में ऊपर चिपके हुए ना। अब मुझे आ रहा है गुस्सा कि यार समझ क्यों नहीं आ रहा इसको है? मैं अब गुस्सा हो चुका हूँ कि लाइक हनीफ। अब हनीफ को भी गुस्सा आ गया। हनीफ बोले क्या है तेरा कोट है लटक रहा। हनीफ को और गुस्सा आ गया और उसको अभी भी लग रहा है जूते की ही बात चल रही है। मेरे को बोलता है कोई नहीं, मेरे को लगा ही था ब्रो इसके अराउंड रिवॉल्व करने वाला, निकाल के नहीं लेके जाएगा। ले ले जाने दे, मेरे को कलर ऐसे भी नहीं पसंद। चुप ही नहीं हो रहा, गुस्से में आ गया। बोले 5,000 दूंगा वापस आ जाएंगे। मैं बोला मत। मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा और हनीफ का केमिस्ट्री अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली। अब है मिशन काशिफ। काशिफ हनीफ के पास ही बैठा हुआ है। मुझे सिर्फ क्या करना है, काशिफ को बताना है कि ये प्रॉब्लम है। और हनीफ को क्या करना है, काशिफ जब हनीफ को कान में बता देगा तो हनीफ को क्या करना है, दैट्स इट। ये चारों बच्चों को मैं मिल गया। मैं बोला देख मेरा दोस्त प्रॉब्लम में है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोला देख सेम पिंच। बच्चे को 5,000 रुपए दिया। बहुत जुजार। बोले जूते पे थूक। मैं बच्चे गए मिशन काशिफ कंटिन्यू। काशिफ 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 इतने ध्यान से निकाह सुन रहा है ऐसा लग रहा है उसकी प्रॉपर्टी लिख के दे रहे। काशिफ काशिफ काशिफ। मेरे को गुस्सा आ रहा है ना। नाइस। और इसने सुन लिया इस बार। मेरे को बोलता है क्या हुआ भाई, उधर देख। पीछे किसे कुछ बोला? किधर देखो? मैं खुश हो गया कि यस काशिफ को पता चल गया। और अब बस काशिफ हनीफ को कान में जल्दी से बता दे कुछ होने वाला। अब मैंने बोला लौंडे लोग क्या ही वर्ड चूज कर लेंगे। काशिफ हनीफ को जब कान में बताने के लिए लीन हुआ तो काजी साहब को लगा गवाह कुछ कहना चाहता है। तो काजी साहब ने माइक काशिफ की तरफ कर दिया और काशिफ अभी माइक में बोल रहा है तेरे मंचूरियन बॉल दिख रहे। पूरी बारात खड़ी हो गई कि बेटा कहाँ है, खत्म हो गए। पूरी बारात को मालूम पड़ गया कि बन के जमाई की सलवार फट गई है। इतना सब क्योस चल रहा था, इसके बीच में हम लोग ने खाना वाना खाया, नॉर्मल हुए। अब डायरेक्ट विदाई विदाई लड़की का टाइम रहता है ना, वो सब चल रहा है। मुझे आर्ट एंड डेकोर का बहुत शौक है,
तो मैंने बोला हनीफ की सुहागरात का कमरा मैं सजाऊंगा। उसकी बहन बोले नहीं 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 नहीं, तू पढ़ा लिखा है ना, तू पढ़ा लिखा है, हमें यहाँ तेरी ज़रूरत है। तो मैं बोला क्या बात है बताओ। बोले दहेज का हिसाब करने। बोला काश तुम लोग भी पढ़े लिखे होते। कमरा सजाऊंगा। मैं पहुंचा घर पे, कौन सा कमरा सजाना है पता है, जो पहले दिन हमको मिला था। तो बरेली फूफू को इन लोगों ने स्टोर रूम में शिफ्ट किया, स्टोर रूम वाले बुड्ढे लोग को इन लोग ने टेरेस पे शिफ्ट किया, और हम लोग का सामान आंगन में पड़ा हुआ है। नाइस। मेरे को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा काम रहा। मैंने कमरा सजाया और एकदम दिल से सजाया, क्योंकि पहली बार यूपी का बंदा दिल्ली में कंसेंट के साथ सेक्स करने वाला है। ओके ओके 99 फॉर योर वेबिनार एंड इफ लाइक दिस 1 लाख पीपल विल पे यू 99 रुपीस देन विद इन 3 आवर्स। तो इतना तो बनता है। तो मैंने कमरा सजा दिया और अब हमारे पास सोने को जगह नहीं। काशिफ आया, मैंने काशिफ को बोला काशिफ तो कभी सितारों की चादर के तले बैठा है? काशिफ बोले बहुत हो गया, मैं ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ कल की। मैं बोला भाई कर दे कोई बात नहीं, तू कर दे, लेकिन आज की रात कैसे निकालेंगे? मैंने चेस बोर्ड निकाला, बोला एक भाई की सुहागरात है, अपन भी घोड़े दौड़ाते हैं। और वो गुस्से में तो मैं जानबूझ के चेस हार रहा हूँ, ऐसा रानी उठा के गटर में फेंक दिया। मैं बोला काशिफ तू जीत जाएगा। बोले मैं तो रानी मारा ही नहीं। मैं बोला तेरे को देख के सुसाइड कर ली। लेकिन उसने ट्रेन की टिकट बुक कर लिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग जब निकल रहे थे, हनीफ आया, बोले रुको। हनीफ बोलो, मैंने बोला हनीफ बहुत हो गया, बहुत जलील हुए, बहुत बेइज्जत हुए, और हमको रोकने की कोशिश करना भी नहीं, हमको नहीं रुकना, हम जा रहे। हनीफ बोलता मैं रोक भी नहीं रहा। बोले मैं ये बोलने वाला था कि दुल्हन के आने के बाद हमारे घर में एक शाही दावत होती है, तो तुम लोग शाही दावत खा के ट्रेन के लिए चले जाओ, अभी टाइम है। तुम बोला तेरे को क्या लग रहा है, हम लोग ने कभी शाही दावत नहीं खाए? हाँ नहीं खाए। तो मैं बोला काशिफ को, मैं बोला काशिफ टाइम है। काशिफ बोला चल ठीक है। हम लोग गए बैठे, रोटी आई गर्मा गर्म, कटोरे में एकदम सालन आता ना ग्रेवी, मस्त सालन आया। तो सालन में क्या होता है ना, सालन जब आप ऐसे हिलाते हो ना तो ऊपर तेल होता है, ठीक है, तो आप जब ऐसे हिलाते हो ना सालन को तो तेल जो है ना वो हटता है और ऐसे ग्रेवी ऊपर आती है। तो मैं हिलाया, तेल हटा और तेल ही ऊपर आया। एक्स्ट्रा बटर। बोला हनीफ ये क्या है, इसमें तो सिर्फ तेल ही है। हनी बोले तेल नहीं है, ये प्योर घी है। ये हमारे में रिवाज, जो जितना रईस होता है, जितना अमीर होता है ना, उनके घर के खानों में इतना घी इस्तेमाल होता है। काशी बोलता भैंसो कमरे नहीं है तुम लोग के पास। nice. ये घी ना डाल ले। मेरे को बोलता है ये चले शाही दावत खाएगा। मैं डर के उठ गया, रोटी जेब में। रोटी जेब पहुंचे स्टेशन, मुझे पता है काशिफ मेरे को मार डालेगा, बहुत गुस्से में था, मेरी वजह से सब प्लान खराब हुआ। लेकिन ऑपोजिट हुआ, ट्रेन में हम बैठे, काशिफ ने मेरा हाथ पकड़ा और पहली बार मुझसे इतने प्यार से बात किया। मुझे बोल रहा भाई अपन जैसे ही बम्बई पहुंचेंगे ना, स्टेशन से बाहर निकल के ये 3-4 को मारूंगा। बैग में से मिठाई का डब्बा निकाला और मैं काशिफ को दिया। मिठाई का डब्बा इज अ साइन ऑफ सेटलमेंट। काशिफ ने मेरे से दोस्ती ही तोड़ दी। सेटलमेंट हो गया। इतनी गहरी दोस्ती, अच्छी फ्रेंडशिप काशिफ ने तोड़ दी। 1 महीने तक काशिफ ने ना मेरा फोन उठाया, ना मेरे से बात की, ना मुझसे मिला। 1 महीने के बाद अचानक सुबह 5 बजे काशिफ के 25 मिस कॉल्स। कभी वो करता नहीं है ऐसा। मेरी सुबह 6 बजे के अराउंड आँख खुली ना, तो मैंने डायरेक्ट कॉल बैक किया। जैसे ही मैंने कॉल बैक किया, उसके भाई ने फ़ोन उठाया।
बोला क्या हो गया भाई, काशिफ कहाँ है? और इतने फ़ोन, रो रहा था वो। बोला क्या हो गया? बोले भाई काशिफ भाई ठीक है, लेकिन मेरे डैड है ना जो। बोला क्या हो गया तेरे डैड को? तो बोले उनकी डेथ हो गई, काशिफ के अब्बा का इंतकाल हो गया, पास्ट हो गए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं उनसे दो दिन पहले मिला था। वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान, हेल्दी। एंड काशिफ के अम्मी नहीं थे, उसका एक छोटा भाई है, उसकी एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई है। I like how we just changed the mood, bro. सर दो पांच मिनट पहले ही क्या मूड था वीडियो का, एंड जस्ट एट अ सडन उसने कैसे पूरे देख रहे हो, पूरे शांति सी मच गई। फिर कैमरा का साउंड आ रहा है पीछे में, क्लिकिंग पिक्चर्स, नाइस यार, क्या प्यारा उसने ये किया। मैं लाइक पूरे इस सेट को एक बार में पलट दिया, नाइस स्टोरी टेलर तो है ब्रो, लाइक ही जस्ट स्नैप्स ओवर इट मैन। चलो मैन, चलो सीन हो गया, चलो। तो मॉम तो ऐसी नहीं थी और अब डैड भी नहीं। सुन के मैं थोड़ी देर के लिए एकदम फ्रीज हो गया। दो तीन दोस्तों को कॉल किया कि जल्दी से मसीना हॉस्पिटल पहुंच, शर्ट वर्ट पहना, बाइक की चाबी लिया, पानी पिया। हंसो मत यार। मैं हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल सुबह 6:30 बजे का टाइम, एकदम सन्नाटा। काशिफ है ना, पोस्टमार्टम रूम के बाहर एक बेंच पे बैठा हुआ था। सुबह का टाइम हॉस्पिटल में एकदम सन्नाटा, जैसे अभी यहाँ पे सेम। पूरी सेटअप की भाई, आई फील सैड फॉर मुनावर भाई, पूरी सेटअप की उसने बर्बाद कर दी। तू पेट्रोल पी गया ये क्या? तो बड़े टायर वाली गाड़ी नहीं चालू होती। पूरा सेटअप बर्बाद। काशिफ का बाप मरा है। बहुत इंटेंस माहौल है हॉस्पिटल का। 4-5 दोस्त हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, वी आर डिस्कसिंग के यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फैक्ट्स, हम जिंदगी को सीरियस नहीं ले रहे यार। हाँ, ये सब चल रहा है। और उतने में हमने नोटिस किया कि काशिफ जो बेंच पे बैठा हुआ है, नर्स ने एक आदमी को ला के उसके बेंच पे बिठाया है। हम लोग ने देखा, काशिफ ने भी देखा, और आदमी भी एकदम चुपचाप ऐसा नजरें नीचे झुका के एकदम चुपचाप ऐसे बस बैठा हुआ है, ठीक है। 15 मिनट के बाद अचानक इस आदमी ने पता है क्या किया? ये आदमी दिमाग से, और हम लोग के यहाँ पे हंसी निकल गई। लेकिन कंट्रोल किया कि इसका बाप मरा है। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं ब्रो। और हम भूल गए कि यहाँ पे क्या हुआ ये वो, ठीक है, भूल गए। और हम ये भी भूल गए कि यहाँ पे ये जो आदमी बैठा हुआ है इसके अंदर अभी भी ये फीचर है। हमें नहीं पता ये कि चार्जिंग में है। ये 15 मिनट तक चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, इस बार अचानक पता है इसने क्या किया? आप लोगों को पता है काशिफ का बाप मरा है, आप भी हंस दिए, इस बार काशिफ भी हंस दिया। और काशिफ को हंसता हुआ देख के हमें हिम्मत आई। और हम लोग फिर रुकने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब रुके नहीं जा रहा। हंसी बिल्डअप होते जा रही है क्योंकि हम छुपके से हंस रहे हैं, और बिल्डअप हो रही है। और हनीफ इतना हराम ये भूलने दे रहा नहीं है। हम लोग आके बोल रहे हैं कि क्या क्या लगा रखा तुम लोगों ने, हंस रहे हो, शर्म आ रही है जरा भी? अब कोई भी हंसा ना मैं डिचियाओं कर दूंगा। और हंसी रुकी नहीं रही है,
तो जब आपको पता है अब हम लोग बचपन में करते थे कि जब हंसी बहुत आती थी और हमको नहीं हंसना होता था तो हम सैड चीजें याद करते थे इंटेंस चीजें लाइक हमारे ट्रॉमास याद करते थे ताकि हंसी ना आए. तो मैं भी याद कर रहा हूँ बचपन के ऐसे ट्रॉमास के. हाँ मामू क्या बोला था चॉकलेट है वो चॉकलेट नहीं थी. हाँ लेकिन भूल नहीं पा रहे क्योंकि अब वो हंसी खुल के नहीं हंसे ना अंदर ही बिल्डअप ही हो जा रहा है. और आपने ये भी सुना है कि कुछ आप ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ ट्रेजिक देख लो तो आपको हंसी रुक सकती है. और ऐसा ही हुआ हॉस्पिटल में. एक यंग लड़का स्ट्रेचर पे पूरा तड़प रहा है मतलब ऑलमोस्ट डेड तड़प रहा है पूरा खून खून खून. और उसको देख के सच में हम लोग डर गए और हम लोग लाइक बहुत ही इंटेंस हो गए कि यार ये क्या हो गया यार अल्लाह इसके साथ क्या हो गया. हम लोग स्ट्रेचर के साथ देख रहे उसको तड़प रहा है. पुलिस वाले उसको लेके आ रहे. हम लोग सब पूछे भी सर इसको क्या हो गया. पुलिस वाला बोलता है इसको किसी ने गोली मार दी. और हनीफ कितना हरामी है. पुलिस वाले को बोलता है सर इसको गोली कब लगी. पुलिस वाला बोलता है अभी लगी. बोले इन्होंने चलाई. मैंने आइडिया लगाया कि जब आप एक चीज पे खुल के नहीं हंसते हो तो एक बार खुल के हंस दिए दो बार जोक पे हंसी आती है राइट. तीन बार नहीं आ सकती. तो जस्ट बिकॉज हम स्टॉप नहीं हो रहे इसका रीजन है हम खुल के नहीं हंसे. मैं हंस दिया खुल के. दोस्त लोग भी देख के हंस दिए कि एक बार हंस के खत्म करो यार ऐसे तो कब्रिस्तान तक हंसते हो जाएंगे. तो मैंने खुल के हंस दिया और काशिफ भी कंफर्टेबल हो गया. वो भी कब से हंस रहा है ऐसे तो वो भी खुल के हंस दिया. अब हम लोग सब हंसने लगे. और काशिफ की जो बहन है उसकी शादी हो गई है वो पुणे में शादी हुई है तो उसको भी पता ना बाप मरा है तो वो हॉस्पिटल आई. और उसने देखा हम सब हंस रहे हैं. प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम ये है कि उसको लगा हमने प्रैंक किया है. वो आके काशिफ पे भड़क गई कि काशिफ तू पागल हो गया. कोई इतना गंदा मजाक करता है कि अब्बा मर गए पागल. अब काशिफ बाद में तो नहीं बोल सकता ना. काशिफ को तो उसी वक्त बोलना है. और काशिफ तो हंस रहा है तो काशिफ बोले नहीं नहीं अब्बा तो मर गए. Nice. Sometimes I need to paraphrase. It's easy to make your Nice. की बात है. 7 साल हो गए इस चीज को. काशिफ की बहन ने आज तक काशिफ के साथ बात नहीं करी उसके बाद. मैं काशिफ को बोला कि तू जा अपनी बहन के घर मिठाई का डब्बा लेके. लेकिन मिठाई का डब्बा तो घर के बड़े लेके जाते ना. किसी को बुरा लगा. ये फिक्शन है. काशिफ के अब्बा की डेथ ऐसे नहीं हुई. उनको एड्स था. नहीं, नहीं सच में वो नहीं कर पाए सर्वाइव यार. बट उनको हुआ काशिफ के 2 साल बाद. Okay. काशिफ हेल्दी है. आई सी. वो ऑफेंड तो नहीं हुआ. आई टेल यू क्योंकि हम इंडिया में ना हमें ऑफेंड होना आता नहीं है. क्योंकि हम हर चीज में हर पल हम लोगों को इतना ऑफेंड करते हैं. इसका रीज़न पता है क्या है. हम लोगों ने कंटेंट ऐसा कंज्यूम किया है कि हमको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ऑफेंसिव क्या है और क्या नहीं है. आप लोग मुझे बताएंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा काला जादू कहाँ पे होता है. किसी को पता है. बंगाल कोलकाता. नहीं 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 कलर्स और स्टार प्लस पे. दैट वाज हार्ड डूड. वो देखे सारे शो. हर शो कुछ ना कुछ काले जादू के बारे में ही है. वो एक आते नजर करके कुछ आता था. Okay, काला जादू. No idea. वो कहता नागिन कर. Yeah. काला जादू. कहता नजबली है रेमो डिसूज़ा. Don't ask me to explain this shit, bro. Don't ask me to picking explain this shit.
अब नहीं यार लेट मी टेल यू वन थिंग दैट वाज रेसिस्ट. आप लोग अग्री करते हो कि नहीं, डिसेबल लोगों को टैलेंटेड नहीं होना चाहिए. यू अग्री? नहीं नो आई टेल यू, दादर स्टेशन देखा है? अगर दादर स्टेशन पे बिजीएस्ट राइट, बहुत ही बिजी रहता है ऑलवेज, इतने सारे लोग भीड़, दादर स्टेशन पे आपको कोई अंधा भागते हुए दिखे आप शक करोगे ना कि ये अंधा नहीं है? वो अंधा ही है, उसका सिक्स. नो आइडिया अबाउट द दादर स्टेशन, क्योंकि अगेन आई हैव नेवर बीन एंड नेवर लिसनड अबाउट दिस, बट आई थिंक सो कि वो सीन है यार, कि वहां चोरी वोरी का सीन रहता है ना, इसीलिए सेंस अच्छा है. सिक्स सेंस नहीं, सॉरी फिफ्थ सेंस अच्छा है. समझा? नहीं ब्रो नहीं, क्योंकि वो अब इसका जो ये मैं डिकोड करके बता सकता हूँ. उसने फिफ्थ सेंस इसलिए बोला क्योंकि छह सेंस होते हैं ना सेंस ऑर्गन्स बेसिकली, तो उसका एक सेंस ऑर्गन नहीं है ना, अगर वो बहरा है तो ये नहीं है उसके पास, अगर वो ही इज ब्लाइंड तो उसके पास ये नहीं है, तो पांच सेंस हो रहे हैं ना. या नहीं समझा? दो बार और बताओ. हमारा भाई एक बार भी समझ गया इसका क्या बैड लग है यार, इसी को नहीं समझा क्या ही झंडा लेके घूम रही थी फेमिनिज्म भले उसका फिफ्थ सेंस अच्छा है बट लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे, लोगों को पता है कि नहीं झूठ बोल रहा है. इंडिया में अंधा जो है वो अच्छा रनर नहीं बन सकता, लोग शक करें, अच्छा सिंगर बन सकता. इसी तरह लंगड़ा जो है वो अच्छा रनर नहीं बन सकता ऑब्वियसली, लेकिन वो अच्छा दोस्त बन सकता है. हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, आपने सुना नहीं, कि तेरे सच्चे अच्छे बेहतरीन दोस्त वही है जो तेरे बुरे वक्त में तेरे साथ एक टांग पर खड़े रहे. आई एम मेकिंग फन ऑफ डिसेबिलिटी राइट, या आई एम मेकिंग फन ऑफ डिसेबिलिटी, बट हम एज अ सोसाइटी डिसेबिलिटी को गाली देते. आई टेल यू, जब हमें किसी का धक्का लग जाता है तो हम उसे कहते हैं अंधा है क्या, अंधा, इट्स अ इंसल्ट राइट, इट्स दैट्स अ किसी की एक कमी है. दैट्स अ बिग स्टेटमेंट डूड. बट आप किसी को गाली देते वक्त इसको यूज कर रहे हो. मैं तो फिर भी मजाक उड़ा रहा हूँ, आप तो एज अ गाली यूज करते हो. मैं इस तरह का ये जोक करता हूँ ना तो कितने लोग मेरे को भी बोलते हैं कि तू डिसेबल लोगों पे जोक करता है, पागल हो गया है. I see you, I see that. That was smart. See, हमें पता नहीं है कि हम क्या ऑफेंसिव कह देते. मैंने सबसे पहले आपको एक सेक्सिस जोक पे हंसाया, उसके बाद मैंने आपको एक डेथ जोक पे हंसाया, फिर मैंने आपको एक रेसिस्ट जोक पे हंसाया. मैंने वही कह ही रहा था वो दैट रेमो वाला. और फिर मैंने आपको अभी एक डिसेबल जोक पे हंसाया. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी, कि आप ये चार चीजों पे इस कमरे के बाहर नहीं हंसोगे राइट. द रीजन इज कि आपने एज अ जोक ये सुना, भाई वेदांत तेरे को हर्ट हुआ ये तेरे सेंटिमेंट हर्ट हुए इससे? नहीं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी, क्योंकि आपने साइन इन किया, क्या आपने सोचा है कि हाँ मैं कॉमेडी सुनूंगा, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ कॉमेडी राइट. नो, आप सब नीच हो. अगर आपने समय रहने का वो वाला वीडियो देखा ना कि आप भी स्वर्ग नरक जा रहे हो, वो जिसमें उसने बच्चों के लेकर के कुछ एक जोक किया था, उसमें भी आप भी नरक जा रहे हो, मैं भी नरक जा रहा हूँ. नहीं, आई टेल यू, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी. और वही है कि जहां लोग सोचते नहीं है ना, मैं वहां हंसाऊंगा. अभी पांचवी चीज बाकी है. ओके और ये पांचवी चीज एक स्टोरी के साथ मैं बताता हूँ आपको. और ये स्टोरी जो है
आखिरी स्टोरी है, यहाँ से आपको सीख के जाओगे, यहाँ से नहीं, जेन्युइनली ये एक ये जो कहानी है ये बुरे इंसान के अच्छे इंसान बनने की कहानी है, एक बुरे इंसान के अच्छे इंसान बनने की कहानी है, यहाँ से आपको सीख के जाओगे। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अबा कादर। अबा कादर किसको किसको याद है दैट, किस पे था ये अबा कादर वाला? अबा कादर, अबा कादर, अबा कादर, अबा कादर किस पे था? अबा कादर, अबा कादर, अबे यार हमने देखी है उस वीडियो पे, हाँ जिसमें उस उन लोगों ने भूत एंड ऑल का देखने गया था वो, अबा कादर, यप यप यप, आई रिमेम्बर अबा कादर, ये उसमें था, याद आ गया मेरे को, जिसमें उन लोगों ने भूत एंड ऑल के साथ देखने गया था, तीन या चार दोस्त थे, यप इस्माइल एंड ऑल वो थे, यप यप यप। बेटा मुनावर फैन ब्रो, मुनावर फकिंग फैन ब्रो, दैट इज द वीडियो। कमेंट्स मेरे को बताओ कि आप सबका कैसे, वीडियो पे चैंपियन है और सब्सक्राइब करना मत, एक सौ वीडियो पे, तब तक गुड बाय, सी।